नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जिस तरह से लगातार विधानसभा सदन में गर्माहट चल रही है, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे विधायक जो हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। मुझे कम से कम 20 साल हो गए होंगे कि मैं सिर्फ न्यूज ही देखती हूँ और मैं कुछ देखती नहीं हूँ टीवी पे। कि जब से सिसोदिया जी पे इल्जाम लगा है कि इन्होंने घोटाला किया शराब में, मेरी भी खुद की 28 साल की बेटी है और हमारे यहाँ एक कलेवा होटल था पीतमपुरा में मधुबन चौक के जस्ट नियर, कई बार हमने उस होटल से होम डिलीवरी भी मंगाई और हमने उसका खाना भी खाया। तो मेरी बेटी एक दिन उसके बाहर से ही जा रही थी तो बहुत भीड़ थी उसमें, मोस्टली उस होटल में भीड़ नहीं होती उस होटल पे और ना ही होटल के बाहर। तो उसने मेरे से कहा कि आज तो मैं उस होटल के बाहर से निकली तो बड़ा क्राउड था, क्या बात है, क्या ये कोई फ्री में खाना दे रहा था? मैं कहा पागल, आज के बाद उस होटल के बाहर मत जाना, वो होटल नहीं है, वो शराब का ठेका खुल गया। उसने माथा पीट लिया क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का कोर्स सीखने जाती है 28 साल की बेटी, अनमैरिड है। बोली माँ ये तो केजरीवाल ने बहुत गलत किया, हमने क्या इसको इसलिए वोट दी थी कि ये पांच इलाकों में शराब का ठेका खोल देगा? और वहां पर इतनी भीड़ होती कि मैं तो शर्म की माई जल्दी फटाफट निकली कि वहां अच्छे बुरे हर तरह के लोग खड़े थे, मतलब मिडिल क्लास भी, हाई फाई भी और लोअर क्लास के लोग भी खड़े थे। तो मतलब ये जो इसने हाई फाई एरियो में जो शराब के ठेके खोले, एक तो वो गलत है एक एक कदम पे, ठीक है। अगर हम 4 बजे भी वहां से निकल रहे होते हैं, जैसे हम रानी बाग पड़ता है उसके आगे, तो हम रानी बाग से जब आ रहे होते हैं तो 4 बजे भी हम देखते इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है दुकानों के बाहर, तो बहुत डर लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है बीच सड़क पे, क्योंकि मेन सड़क वो दोनों साइड शराब के ठेके हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब से एलिगेशन लगा है इन पे कि आपने जो शराब के उसमें बेईमानी की है, इतना घोटाला किया है, तो आप उसका जवाब दो, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा का है, भिवानी का, मुफ्त ये आदमी है, हर चीज पे ये अपनी स्टेटमेंट देता है, बयान देता है, राय देता है, तो इस पे क्यों नहीं दे रहा? ये उल्टा मुद्दे को ये घुमा रहा है। पहले तो इन्होंने ये कहना कहा कि सिसोदिया का ही बयान आया कि जो है ना मेरे को मोदी जी की तरफ से ऑफर आई है उनकी तरफ से कि भाई तुम जो है ना मतलब जैसे ईडी से सीबीआई का छापा पड़ा सीबीआई का, तो इन्होंने ये झूठ बोला सिसोदिया ने आके कि भाई मेरे को ना केजरीवाल की तरफ से मोदी जी की तरफ से ऑफर आई है कि तुम जो है ना मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का सीएम बनाऊंगा, क्योंकि इनके पास दिल्ली के में सीएम बनाने के लिए कोई फेस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हारा ईडी सीबीआई का केस खत्म कर देंगे। अगर उनको यही कहना था तो वो सीबीआई की रेट डालने से पहले कहते मोदी जी, ये कॉमन सेंस की बात है, जब वो रेट डलवा चुके तब तुम्हें क्या ऑफर देंगे, वो तो ऑलरेडी डलवा चुके हैं, अब तो जो सीबीआई को एक्शन लेना है वो तो सीबीआई एक्शन लेगी। तो कहने का मतलब ये फ्रॉड बात है, ये सबको पता चल रहा है। दूसरी बात, वो कहता कि मैं सीएम का फेस बन जाऊंगा, वो कह रहे अरे जैसे ही केजरीवाल की डेथ होगी तो तू ऑलरेडी सीएम बन जाएगा, तो उसमें वो तेरे को क्या सीएम की ऑफर करेंगे, तू तो एक प्रकार से सीएम ही है, जब डिप्टी सीएम है तो सीएम भी तो कहलाएगा तू। जब केजरीवाल को कोरोना हुआ था तो तुमने सीएम बन के ही दिल्ली को देखा था, तो डिप्टी सीएम और सीएम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये उसकी बेकार की बातें हैं। ये तो तब होता कि जब मोदी जी कहते कि तेरा मैं सीडी और सीबीआई का केस खत्म कर दूंगा ईडी वगैरह का और तुझे देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दूंगा। लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप महिला हो, आप महिला हो, कह रहे महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या लगता है? आपको बताती हूँ, पहले मैं वो महिला सशक्तिकरण का बताऊंगी। मेन पॉइंट ये कि केजरीवाल अपना बयान जो दे रहे हैं वो कुछ और दे रहे हैं। उन्होंने सबको बोला, पहले उन्होंने इसकी मीटिंग करी एक दिन, 4-5 दिन पहले न्यूज में भी आया था कि सबको उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि हम तो मीटिंग करेंगे, लेकिन मीटिंग में तुम एक ही बात तो बोलते कि न्यूज में बताएं। केजरीवाल की अलग स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे सिसोदिया की अलग आ रही है, अदिति जो बोलती है वो कुछ और ही फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है, सौरभ भारद्वाज जी की अलग आ रही है, तो ये चारों लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट है। पहले इन्होंने कहा कि 5 करोड़ में हमें खरीद रही है हमारे विधायक को, फिर ये सीधा 20 करोड़ पे आ गए, 15 करोड़ पे आ गए। अरे तुम्हारे जैसे चोर आदमी को कोई 2 रुपए में ना खरीदे, तुम 20 करोड़ की बात कर रहे हो। दूसरी बात, खरीदने की तो बात छोड़ो, अगर तुम्हें कोई 2 रुपए भीख में भी देगा ना तो तुम ऐसे चोर आदमी की तुम 2 रुपए भी वो ले लोगे, तुम 20 करोड़ की बात कर रहे हो। रही बाल महिला सचिव की, आए कैसे है दोबारा यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ फ्री की राजनीति करके? इन्होंने फ्री का पानी का बात करी, बिजली की बात करी और इन्होंने फ्री की बस कर दी। कोरोना में 2 साल कोरोना ऐसे मनहूस टाइम पे इन्होंने फ्री बस करी कि हमें तो बस में बैठने का मौका ही नहीं मिला। सब कहते हैं कि ऐसे मनहूस टाइम में बस इन्होंने फ्री में करी कि उसी टाइम कोरोना आ गया जब ये इलेक्शन में थे, तो बस में तो औरतें बैठ ही नहीं पाई, औरतें के आदमी भी नहीं बैठे क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। रही बात पानी की, तो हम तो सोसाइटी में रहते हैं तो हमें तो पानी का बिल देना पड़ता है, हम जो मेंटेनेंस देते हैं वो पानी का बिल ही होता है, तो हमारे जैसे को तो पानी के बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। रही बात बिजली की, तो ये बिजली जो गरीब लोग हैं पुअर फैमिली, वो कम खर्च करते हैं, हालांकि उनके घर में भी आज के टाइम में कूलर एसी सब है, तो आप बिजली का बेनिफिट भी किसे दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने कह भी दिया कि 1 अक्टूबर से सबके बिजली के बिल आएंगे, अगर
आप फॉर्म नहीं भरते उसमें कहते हो कि हमें जब आपने बिजली फ्री की थी ये कह के इलेक्शन के टाइम में कि सबको बिजली फ्री मिलेगी, फिर अब ये ड्रामा किस लिए कर रहे हो कि ए, आप लोग फॉर्म भर के 2 सितंबर तक 30 सितंबर तक और जो भर के नहीं देंगे तो 1 अक्टूबर से उनको बिल पे करना पड़ेगा। तो ये सब ड्रामे क्या, जो अनपढ़ लोग हैं जिनको आता ही नहीं है फॉर्म भरना उनको तो फिर बिजली पे करनी पड़ेगी, तो ये सब तो ड्रामा है ना एक नई कहानी। जो दिल्ली से बाहर है या कुछ है उनका तो बंद घर में भी बिल आता रहेगा। तो इसने कुछ नहीं किया दिल्ली में, सिर्फ 8 साल में ड्रामा किया है। मैं रोहिणी सेक्टर 13 से जब बंगला साहब आती हूँ या कनॉट प्लेस आती हूँ पूरे रास्ते कचड़ों का ढेर है, लेकिन आज से जब 10 साल पहले मैं पालिका में आती थी आप यकीन नहीं करोगे इससे तो बढ़िया होती थी दिल्ली। लगातार केजरीवाल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक आदमी है ना, हरियाणा का बीमारी झूठ बोलने के अलावा उसको काम ही नहीं है। वो इनकम टैक्स से पहले ऑफिसर था, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर झूठ नहीं बोलेंगे तो वो दूसरों का सच कैसे उगलवाएंगे। इनकी तो इसको तो झूठ बोलना है और झूठ की राजनीति करके जिसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। किरण बेदी जो इतनी, मैं किरण बेदी जी से पर्सनल मिली हुई हूँ, पहले वो ताल कटोरा स्टेडियम में के पास रहती थी, तो वो मैं मतलब मेरे फादर से उनके लिंक थे, मेरे फादर स्टील अथॉरिटी से डिप्टी डायरेक्टर हुए हैं तो मैं उनके साथ उनके वहाँ पर गई हूँ एक दो बार। वो तो इतनी बढ़िया लेडी थी, उनको इसने धोखा दे दिया और खुद सीएम बन गया। जिसने पार्टी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि उनको तो 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, मैं वही सारी बातें बनेंगे कोई नहीं रोक सकता। कुमार विश्वास को धोखा दे दिया इसने, इतने अच्छे अच्छे जो भी इसके उसमें थे सबको इसने धोखा दिया। ये 24 में ये कहता है ये मोदी से बराबरी कर रहा है, ये मोदी की पाव की जूती नहीं है। मैं जिंदा रहूं ना रहूं 2 साल मेरी 55 एज है, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बड़ी बड़ी बातें करती, मुझे नहीं पता भगवान ने कितनी एज लिखी है, लेकिन आज मैं आपको गारंटी से यहाँ पे लिख के भी दे सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ 2024 में जो ये कह रहा ना कि मैं मोदी के अगेंस्ट लड़ूंगा और जीत के आऊंगा, तो मेरे साथ लिखा है पाव की जूती भी नहीं है। ये मोदी से जो कंपैरिजन कर रहा है जीतना तो बहुत बड़ी बात है। लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई, सबसे बड़ी बात विपक्ष ही सारा एक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बिहार में जो है वो तेजस्वी कह रहा है हम नीतीश कुमार को बनाएंगे मोदी के अगेंस्ट खड़ा करेंगे, उसको ये कि अगर नीतीश को खड़ा करें तो मैं यहाँ का सीएम बन जाऊंगा, इसलिए वो वहां की बात कर रहा है। ममता वहां से सपने देख रही है मैं प्रधानमंत्री बन गई। असल में सारे विपक्ष के दिमाग में एक ही फुतूर आ गया है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम तो पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे लेकिन अकल तो तुम्हारी पैरों में है, तुम्हारे पास अकल तो नहीं है। मोदी जी को अकल तो है, वो औरतों के लिए कुछ कर तो नहीं है। आप बताओ जो आज झारखंड में केस हुआ वो किस लिए हुआ, वहाँ के सीएम की वजह से हुआ। जब वो लड़की मर रही है 5 दिन हॉस्पिटल में तड़पी, वो हिंदू लड़की थी और वो लड़का शाहरुख था, आज शाहरुख को जब लेके गए कोर्ट में तो वो मुस्कुरा रहा है 20 साल का, उसके अंदर भय नहीं है कि मुझे फांसी होगी कुछ होगी, क्यों नहीं है, वहाँ के सीएम के कारण तो नहीं है। इन सबको सिर्फ कुर्सी चाहिए कुछ नहीं, वो अपना होटल में कभी किसी होटल में सारे विधायकों का इकट्ठा कर रहे हैं कभी कहीं कि मेरी पार्टी टूटनी नहीं चाहिए। अभी राज्यपाल का ऑर्डर नहीं आया, उनको यह कि राज्यपाल का अगर ऑर्डर आ गया। आपने बात कही कि वो जो विधायक हैं वो ये सारे, पहली बात तो केजरीवाल ही चोर है, इसकी पूरी पार्टी चोर है। मैं रोहिणी सेक्टर 13 में हिल अपार्टमेंट में रहती हूँ, आप जाके हिल में एक एक बंदे से पूछो, सारे बंदे बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे उधर से विजेंद्र गुप्ता जी है। जब से ये आया, मुझे पहले का तो मैं नहीं कह रही लेकिन जब से ये आया वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, लगातार बातें चल रही है। चोर है भिवानी का, हरियाणा का, एक नंबर का चोर। अगर चोर नहीं था ये तो आप ये बताओ ये जवाब क्यों नहीं दे रहा शराब पे। और अब तो कल से ये आ रहा है कि इसने जो क्लासरूम बनाया उसकी जगह टॉयलेट बना के उनको क्लासरूम दिखा दिया, उसमें भी इसने घोटाला करा है। ऊपर से कहता है हमने टॉयलेट तो बनाए हैं, अरे क्लासरूम नहीं बनाया, तुम्हें ऑब्जेक्शन गया, मतलब ये तो इसका जवाब है। अरे क्लासरूम के बारे में बात हो रही है कि तुमने क्लासरूम के नाम पे पैसे लूटे हैं तो तुम उसका जवाब दो, तो उसमें भी कहता कि हमने टॉयलेट तो बनाए हैं जो तुम कह रहे हो टॉयलेट बनाया है, तो तुम्हें ऑब्जेक्शन गया। तो ये बताओ ये तो एक नंबर का चोर था, इसने कोई विभाग जोड़ा कोई नहीं छोड़ा, स्वास्थ्य का इसका कुछ नहीं करा। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहता, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं मार्च में जयपुर गोल्डन में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेरा इन्फेक्शन था, तो मेरे बगल में भी लेडी जो थी वो इन्फेक्शन की थी लेकिन बट वो यंग थी 35-40 साल की, तो मैं तो उसकी बातें सुन के दिमाग घूम गया। मैं तो कभी आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई नहीं लेकिन जब उसकी बात सुनी तो और मेरा दिमाग घूम गया कि भैया मर जाऊंगी लेकिन गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगी, कभी कितनी भी इमरजेंसी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगी। लगातार कह रहे हैं ना कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमने हमने चिकित्सा पे काम किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद पहले दिल्ली जीती है फिर दोबारा दिल्ली जीती है फिर पंजाब जीता गुजरात भी जीता है, सब कुछ बता रही हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कहानी बताई वो सुन के आपके पैरों के नीचे भी जमीन घिसक जाएगी, आप भी कभी अपनी बहन बेटी को नहीं भेजोगे। उसने कहा मैडम मेरे को इन्फेक्शन हुआ तो मैं अंबेडकर में चली गई जो हमारे घर के पास ही है, उसने कहा मैं उसमें चली गई कि चलो फ्री इलाज होगा, तो मैंने कहा ठीक है। कहती है पहली बात तो वहाँ बेड ही नहीं मिला खाली, फिर उसने अपनी प्रेगनेंसी की कहानी बताई, बोली जब मैं प्रेगनेंट थी तो उसका पानी वानी कुछ छूटने लगा होगा, तो उसने कहा मेरे पति ने फटाफट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उनके घर के पास था उसमें जमा भर्ती करवा दिया। कहती वहाँ पर चाहे आपके पेट में बच्चा हो, डिलीवरी हो, चाहे कोई भी नॉर्मल बीमारी हो, ऑलरेडी एक लेडी जो बेड पे होगी उसके साथ तो वो लेटाते हैं, अकेला बेड तो
तो देते ही नहीं, चाहे उसको कैंसर की बीमारी हो चाहे एड्स की, उसके साथ आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात कि भाई पेन उठने में टाइम लगता है, क्योंकि डिलीवरी का था तो मेरे को थप्पड़ मारा, जो वहाँ पे रूम में वार्ड होती है ना जिसे हम नर्स कहते हैं, उसे मेरे को थप्पड़ मारा कि ड्रामा क्या कर रही है, चल फटाफट दर्द ले औरों का भी इलाज करना है। तो मैं तो सुनकर मैंने कहा तेरे को ऐसे हालत में थप्पड़ मारा अगर कुछ ज्यादा, तो बोली मैंने उसी टाइम आके अपनी सास को कहा, बोली उस टाइम तो नई नई शादी हुई थी तो सास को कुछ बोल नहीं पाई, पहला बच्चा था। फिर मैंने अपने पति को कहा मैं नहीं कराऊंगी जी भैया गवर्नमेंट में इलाज, फिर उन्होंने प्राइवेट में कराया जो, और वो भी 3-4 साल पहले की बात आई थी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो बहुत बुरा हाल है, जिस हिसाब से उसने बात बोली मैंने तो कसम खाई भैया मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो ठेके पे एक शराब के चक्कर में, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जो विकास हमने, मेरी बात सुनिए क्वेश्चन सुनिए, जो मेरी बात सुनिए मैम क्वेश्चन सुनिए, लगातार वो कह रहे हैं कि जितना विकास हमने किया है चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, और भी कई चीजें पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, जितनी जो टैक्स हम जनता से लेते हैं उसको हम सम्मान के साथ वापस करते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो अपने अपने जो उनके दोस्त हैं निजी उनका पेट भरने में लगी रहती है। तो देखो वो फॉल्स स्टेटमेंट कुछ भी दे, मैं केजरीवाल से ये कहती हूँ, इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कह सकती। केजरीवाल कह रहा मैंने एजुकेशन पे काम किया, मैंने बिजली पे किया, मैंने एजुकेशन पे किया, तो केजरीवाल जी आप छोड़ो, आप बीजेपी के किसी मेंबर से आर्ग्यूमेंट मत करो, मेरे से मिल लो एक दिन, ठीक है? मैं भी बनिया ही हूँ, मेरा नाम इंदिरा ग्वाल है और मैं तो बार बार अपनी सोसाइटी का नाम भी बताती हूँ और इलाका भी बताती हूँ। आप मेरे से एक बार आ जाओ और बहस कर लो और फिर मैं आपको सारा आपको बताती हूँ कि आपने क्या किया दिल्ली में, क्या नहीं, सिवाय दिल्ली नाश करने के आपने कुछ नहीं किया। आज मेरी बेटी जो खुद अनमैरिड है, जवान है, वो सड़क पर निकलते हुए डरती है कि इतनी दिल्ली की सड़कों पर गुंडा कर दिया है, दारू पी के लड़के जो है बड़ी उम्र के और छोटे बच्चे हो सब दारू पी के, क्योंकि एक साथ एक फ्री दारू है, घूम रही हुई। तो लगातार कह रहे हैं कि हमने पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में काम में भी सरकार कैसे बनाई, हम तो भी 3,000 रुपए फ्री में देंगे जो बेरोजगार है, हम तो फ्री बिजली देंगे जी 300 यूनिट, हम तो पानी फ्री, अरे फ्री के लालच में दी तेरे को वोट किसे, सारे पुअर लोगों ने दी ना जिनको पता ही नहीं है कि नेता सही कौन है, क्योंकि उन्होंने तो कोई टैक्स नहीं पे करना, टैक्स पे करना है मिडिल क्लास ने, रिच फैमिली ने, तो पॉकेट में तो उनके असर पड़ रहा है ना, गरीब को क्या पड़ रहा है, वो तो आराम का खा रहे हैं और चलो जी वोट, उनको पता है कि किसी भी नेता को वोट देना चलो इसको दे दें, वो काम किया उन्होंने। तो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि सीबीआई की रेड पहले भी हुई थी, अब भी हुई है, अब भी कुछ नहीं निकला और पहले भी कुछ नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप ज्यादा से ज्यादा मैं 1 महीने रुक जाओ, 1 महीने के अंदर ये अगर जेल में ना आशीष हो दिया तो मेरे को बता देना, और 2024 से पहले केजरीवाल भी जेल में जाएगा, क्योंकि जो है सारा भी इनका काले चिट्ठे खुल चुके हैं, उस पे सारा इन्वेस्टिगेशन हो और ये काम हो रही है। अभी स्कूल की भी बात आ गई है, सीबीसी की, इन्होंने इसमें चोरी करी है, स्कूल रूम पे पैसा लेकर इन्होंने टॉयलेट खोले और शराब का पहले चल ही रहा था, अब धीरे धीरे सारे मुद्दे इनके खुल रहे हैं कि किसके नाम पे इन्होंने पैसा लिया। लगातार कह रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा बनाया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनको फोटो छपा है, तो वो तो पैसे देके मैं भी छपवा दूं, मैं भी चली जाऊं अभी यहां पे ना भारत टाइम्स में, ये यहां पर ना भारत टाइम्स है और उसमें मैं पैसे दे दूं, मुंह मांगा वो 1 लाख मांगे और मैं 2 दे दूं, पैसों से दुनिया चलती तो वो भी मेरी फोटो खींच देगा, वो भी वहां पे छाप देगा कि इंदिरा ग्वाल बहुत बढ़िया लड़की है। बीजेपी सरकार गिराने में लगी है, जो उनका लोटस चोरों को लेगी, बीजेपी इन चोरों को लेगी, जो चोर है जो 2 रुपए में मिक जाए उनके लिए 20 करोड़ लेगी, मोदी का दिमाग थोड़ी फिरा है। बीजेपी का एक ही काम है सरकारें गिराना, और जो उनका लोटस का जो मुद्दा है ना, आज तक ना मोदी जी ने ना तो आज तक शिवसेना के विधायक तोड़े, ना मध्य प्रदेश के विधायक तोड़े, उन्होंने कहीं नहीं तोड़े, ये खुद परेशान थे शिवसेना के विधायक, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे जी थे वो ना तो उनसे मिलते थे, ना उनका काम करते थे, ना पब्लिक का काम करते थे, तो वो परेशान होकर खुद ही उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई और बीजेपी से उन्होंने सपोर्ट मारा। बीजेपी के पास तो ज्यादा वोट वो थे विधायक, तब भी उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया अपना बड़ा दिल दिखा के। ऐसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार थी कह रहे की तोड़ के, और ये खुद आ गए हैं शिवराज जी खुद आ गए, नहीं वहां पर भी मैं गई हुई उज्जैन में, मैं हर सावन के महीने में जाती हूँ, साल में 2 बार जाती हूँ, वहां भी मैंने देखा था कमलनाथ जी जब थे तब मैं गई थी वहां मंदिर के दर्शन करने, तब भी जो माहौल था ना मैंने देखा था, उस टाइम जो ऑफिस में बैठे हुए थे उज्जैन के, आज मैं कह रही हूँ पीठ पीछे, उन्होंने कहा कि जो मामा जी के टाइम में काम होता था ना यहाँ पे वो नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में काम। मैं तो दिल्ली की थी, मैं तो उनको जानती नहीं थी, वो आपस में बातें कर रहे थे जो मैंने सुना, और उसके बाद सुनो कोई भी विधायक को ऐसे तोड़ नहीं सकता, अगर आप सही हो और आपकी पार्टी सही काम करी तो आपको क्या, आज अगर वो जो अभी नवाब साहब जो गए हैं कश्मीर के, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी 2-3 दिन पहले, ठीक है तो क्यों तोड़ी उन्होंने, उनकी तो सरकार नहीं, जब उस पर भी इल्जाम लगा दो कि मोदी ने तोड़ा है उनको अपनी पार्टी में करने के लिए, अरे ये तो चोर आदमी है, बात करते हैं पानी की ये चले जाएंगे बिजली पे, हम करेंगे एजुकेशन की ये चले जाएंगे स्वास्थ्य पे, ये तो अभी सुनो इन्होंने शराब तक तो फ्री में दे दी है एक के साथ एक, अभी इनका थोड़े दिन में जब 25 के इलेक्शन आएंगे ना, इलेक्शन 25 में भी आने हैं, तब केजरीवाल की सिर्फ एक ही चीज फ्री बची है कि हर आदमी को वो कहेंगे एक के साथ एक बीवी फ्री ले जाओ, चाहे इसको अपनी बीवी देनी पड़ेगी, ये बीवी फ्री देके और ये बस इसका काम है सत्ता।
सत्ता में आना, जिसको सिर्फ सत्ता में आने का मकसद है कि उसके लिए इसको अपनी बीबी भी दान करनी पड़ जाए। हर आदमी को कहेगा भाई चलो एक के साथ एक बीबी फ्री, बस तू मुझे वोट दो, तो आदमी तो लालच में वोट दे ही देगा। उसको उस टाइम समझ ही नहीं कि क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं। बाद में जब देता देता अरे कुछ तो काम हुआ ही नहीं, बीबी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, क्योंकि भाई बीजेपी उसके अंगेंस्ट मुद्दा उठाएगी, कांग्रेस भी उठाएगी और पार्टी उठाएगी, तब वो कहते हैं भैया हम कहाँ फंसे।